नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रक्षाबंधन स्पेशल कोकोनट बर्फी, नारियल की बर्फी या फिर नारियल के लड्डू। वैसे भी सावन चालू है, इसलिए ये रेसिपी आप व्रत में भी खा सकते हो। ऐसी रेसिपी है, या फिर कोई भी फेस्टिवल हो उसकी शुरुआत नारियल की इस बर्फी के साथ अगर आप करते हो तो आपका फेस्टिवल में 4 चांद लग जाएगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और स्वादिष्ट बर्फी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इजी स्टेप से और बिल्कुल आसानी से बनने वाली, बहुत कम सामान से बनने वाली ये रेसिपी है। आप इसे इस रक्षाबंधन में या फिर सावन के महीने में ज़रूर बना के ट्राई करना। यहाँ पे मैंने लगभग 2 कप ग्रेटेड कोकोनट लिया है। आप चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हो या फिर श्रेडेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हो। 2 कप कोकोनट के लिए, मतलब एक नारियल के लिए, मैंने यूज़ किया है 1 कप शुगर और 1/2 कप दूध। ये मैंने 2 बूंद कलर के लिए लिया है। आप चाहे तो प्लेन वाइट भी बना सकते हो या फिर अलग अलग कलर के भी बर्फी बना सकते हो। और गार्निशिंग के लिए आप आपके पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। मैंने बादाम और पिस्ताचू लिया है, उनको मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। सबसे पहले हमें पैन में यूज़ करना है 1 टेबलस्पून देसी घी। आपको यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल करना है ताकि आपका जो कोकोनट है वो पैन को चिपकेगा नहीं। क्योंकि मैंने फ्रेश नारियल लिया है तो उसमें थोड़ा पानी का अंश होता है, इसीलिए उसका जो अंदर का मॉइस्चर है वो ख़त्म होने के लिए हमें सबसे पहले 5 से 6 मिनट के लिए ग्रेटेड कोकोनट को अच्छे से घी में रोस्ट कर लेना है। हमें ये प्रोसेस जो है ये बिल्कुल लो फ्लेम पे ही करनी है, लो टू मीडियम फ्लेम या फिर लो फ्लेम पे। अदरवाइज़ आपका जो नारियल का बुर्दा है वो कढ़ाई को, पैन को चिपक सकता है। इसलिए आपको उसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म करने के लिए लगभग 5 से 6 मिनट के लिए इस तरीके से आपको उसे भून लेना है। आप देख सकते हो फिलहाल वो पैन को चिपक रहा है, लेकिन 2 से 3 मिनट के बाद ही वो अपने आप पैन को छूटने लगेगा और नारियल अच्छे से भूनते हुए उसके अंदर का मॉइस्चर अपने आप ख़त्म हो जाएगा, ताकि जब हम उसकी बर्फी या फिर मिठाई बनाएंगे तो वो अच्छे से प्रॉपर शेप में आएगी। आप चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो, या फिर 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट और 1 कप ग्रेटेड कोकोनट आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसका भी टेस्ट अच्छा आता है। इस तरीके से लगभग 5 से 6 मिनट मैंने नारियल को अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हो जो उसका मॉइस्चर है वो निकल गया है और वो बिल्कुल खिला खिला नज़र आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो कोकोनट है वो प्रॉपरली अच्छे से भून गया है। अब हम उसमें ऐड करेंगे दूध और शक्कर। आप यहाँ पे आपको मिठाई कितना स्वीट चाहिए उस हिसाब से शक्कर कम ज़्यादा कर सकते हो। अब आपको गैस की फ्लेम पूरी तरीके से लो कर देनी है और उसमें ऐड करना है दूध। 1/2 कप या 1/2 कप से भी कम आपको यहाँ पे दूध का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ आपको मिठाई जमाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे मैंने लगभग 3/4 कप शुगर का इस्तेमाल किया है। आप 1/2 कप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको मीठा कितना चाहिए उस हिसाब से आपको यहाँ पे शुगर को ऐड करना है। अब आप देख सकते हो शुगर और मिल्क ऐड करने के बाद हमारा जो कोकोनट का टेक्सचर है वो बिल्कुल बदल जाता है। अपने आप थोड़ी देर में उसे पानी छूटने लगता है, क्योंकि शुगर से उसे अपने आप पानी छूटता है। अब हमें गैस की फ्लेम थोड़ी सी मीडियम या फिर मीडियम हाई फ्लेम रखनी है, लेकिन आपको इसे बिल्कुल कंटिन्यूसली स्टियर करना है। अदरवाइज़ अगर आपने 2 सेकंड के लिए भी उसे छोड़ दिया तो वो नीचे चपक के जल सकता है, इसलिए आपको इसे एक तो कंटिन्यूसली स्टियर करना है, अदरवाइज़ आपको ये सारी प्रोसेस बिल्कुल लो फ्लेम पे करनी है। मैंने फ्लेम को मीडियम हाई कर दिया है, अब उसे मैं कंटिन्यूसली स्टियर करने वाली हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हो जो कोकोनट का टेक्सचर है वो चेंज हो गया है, और थोड़ी देर बाद भी 5-6 मिनट के बाद ही आप देख सकते हो ये पूरी तरीके से पिघल गया है। थोड़ा सा मैंने दूध एक्स्ट्रा ऐड किया था, इसलिए ज़्यादा पतला हो गया है, इसलिए आप 1/2 कप से भी थोड़ा सा कम दूध यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने जो ग्रेटेड कोकोनट है 2 कप लिया है वो बिल्कुल दबा के लिया हो तो आप 1/2 कप दूध इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ऊपर 2 कप नारियल लिया है तो आप बिल्कुल 1/2 कप से भी थोड़ा कम दूध का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ उसे अच्छे से जमाने के लिए टाइम लगेगा। इसी तरीके से आपको बिल्कुल कंटिन्यूसली स्टियर करते हुए उसे पिघला लेना है। इस स्टेज पे आप ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो। जब तक हमारा जो बैटर है वो गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक आपको इसे कंटिन्यूसली स्टीर करना है। आप देख सकते हो धीरे धीरे उसका जो टेक्सचर है वो चेंज होने लगा है और अच्छे से बैटर गाढ़ा होने लगा है, लेकिन हमें इसे बिल्कुल पूरी तरीके से गाढ़ा कर लेना है।
इस तरीके से आने के बाद आपको से थोड़े से फ्लेम को कम ज़्यादा आपको करना है और बीच बीच में चेक करना है। मैंने थोड़ा सा बैटर साइड में लिया है और चेक करने के लिए रख दिया है। आपको चेक करने के लिए गरम गरम इस्तेमाल नहीं करना है, उसे थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देना है। आप देख सकते हो थोड़ा सा उसे पानी छूटा है, जब तक ये पानी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपको उसे स्टियर करना है। मैंने यहाँ पे हाफ पोर्शन जो है वो साइड में लिया है ताकि जो हाफ पोर्शन है मैं उसमें कलर ऐड करते हुए उसे कुक करने वाली हूँ। आपको बैटर को बिल्कुल गाढ़ा कर लेना है, उसके अंदर का जो पानी है वो पूरी तरीके से सोख होने के बाद ही आपको बैटर को निकालना है। क्योंकि मुझे दो कलर करने थे इसीलिए मैंने हाफ बैटर निकालते हुए उस पर मैंने लाल रंग के दो ड्रॉप ऐड करते हुए कलर सेट कर दिया है। और आपके पास अब थाली हो या फिर स्क्वायर शेप का डब्बा हो उसके अंदर आपको ये बैटर ऐड करते हुए उसे सेट करने के लिए रख देना है। मैंने दो स्क्वायर बॉक्स लिए है और उसके अंदर मैंने बटर पेपर रख दिया है और उसी के बीच मैंने बैटर को ऐड कर दिया है ताकि जो बैटर का शेप है ये प्रॉपर स्क्वायर शेप में आ जाएगा और हम उसकी अच्छे से वड़िया कर सकेंगे। उसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कर दिया है। इस तरीके से हमारे दो कलर के मतलब वाइट और रेड कलर की कोकोनट बर्फी बन के रेडी है। अब हमें इसे फ़ैन के नीचे ठंडा करने के लिए रख देना है या फिर अगर आपको इंस्टेंट चाहिए होगा तो आप इसे फ्रिज में रखते हुए भी ठंडा कर सकते हो। अगर आपके पास प्रॉपर डब्बा नहीं होगा तो आप थाली को भी घी लगाते हुए उसके अंदर इसको सेट कर सकते हो। क्योंकि यह डब्बे में जल्दी ठंडा नहीं हो रहा था इसलिए मैंने उसे थाली में निकालते हुए इस तरीके से ठंडा करने के लिए रख दिया है ताकि अच्छे से वो ठंडा हो जाएगा। अब हम उसके पीसेस कर सकेंगे। आप देख सकते हो मिठाई का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल जूसी और बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर आ गया है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल ज़्यादा किया था इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा सूखने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैंने आपको कहा था अगर आपने प्रॉपर भरे हुए दो कप कोकोनट लिया है तो आधे कप से भी कम आपको यहाँ पे दूध का इस्तेमाल करना है। अब थोड़ा ठंडा होने के बाद मतलब 15 से 20 मिनट के बाद जो बटर पेपर है वो मैंने निकाल दिया है और थाली में से ठंडा करने के लिए रख देना है। अगर आपने ऑलरेडी थाली में ही ये बैटर को स्प्रेड किया है तो आपको उसे फ़ैन के नीचे उसे ठंडा करने के लिए रख देना है। क्योंकि ज़्यादा ठंडा होने के बाद उसके जो पीसेस है वो कट नहीं होंगे इसलिए बिल्कुल 15 से 20 मिनट के बाद आपको चाकू से इसके पीसेस कर लेने हैं और उसे फिर से ठंडा करने के लिए रख देने हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल आसानी से जो उसके पीसेस है वो अच्छे से कट हो रहे हैं। इसका मतलब हमारी जो नारियल की बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट हो गई है। इस तरीके से आपको उसके पीसेस करते हुए उसे ठंडा करने के लिए रख दिया है। हमने जो ड्राई फ्रूट्स डाले थे वो नीचे की साइड में है इसलिए जब हम उसे उल्टा करेंगे तब हमें उसका नीचे का अच्छे से डेकोरेटेड पीस ऊपर आएगा। इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पीसेस करते हुए नारियल बर्फी को काट लिया है। अगर इस डिश पे आपकी बर्फी अच्छे से सेट नहीं है तो आपको फिर से उसे कढ़ाई में पैन में ऐड करते हुए और 5 से 6 मिनट के लिए उसे कुक कर लेना है और उसे ड्राई कर लेना है। या फिर आपको हाफ कप से एक कप डेसिकेटेड कोकोनट बैटर में ऐड कर देना है और उसको अच्छे से मिक्स करते हुए आपको उसको सेट कर देना है। और अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं हो तब भी आपको क्या करना है, इस तरीके से लड्डू के शेप में उसे शेप देना है और इस तरीके से नारियल के बुर्दे में उसे मिक्स करते हुए अच्छे से उसे डेकोरेट करना है। खाने में लड्डू या फिर बर्फ़ी हो, दिखने में जो पसंद आएगा वो आप यहाँ पे बना सकते हो। मतलब अगर आपकी जो बर्फ़ी अच्छे से सेट नहीं हो रही है तो आप इस तरीके से छोटे छोटे लड्डू बनाते हुए उसे नारियल के घोल में इस तरीके से कोट करते हुए आप उसे डेकोरेट कर सकते हो और आपकी कोकोनट के लड्डू भी बन के रेडी हो जाते हैं। इस तरीके से हमारी कोकोनट लड्डू और कोकोनट बर्फी बन के रेडी है। आप चाहे तो इसके दो दो लेयर बनाते हुए भी बर्फ़ी बना सकते हो, मतलब रेड के ऊपर वाइट या फिर वाइट के ऊपर रेड, दो तरीके की आप रेसिपी यहाँ पे शेयर कर सकते हो। आप देख सकते हो बिल्कुल आसानी से मेरे कोकोनट बर्फी, कोकोनट लड्डू और दो लेयर की कोकोनट बर्फी बन के रेडी है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बिल्कुल स्वादिष्ट रेसिपी है, इंस्टेंट बनने वाली और फेस्टिवल के समय बिल्कुल आसानी से घर पे ही मिलने वाले सामान से बनने वाली रेसिपी है। सो फ्रेंड्स, इस सावन में आने वाले हर एक फेस्टिवल, फिर वो रक्षाबंधन हो या हो गणेशोत्सव, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।